नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बड़ा निर्णय लेते हुए पहली बार सड़कों पर 50 एसी सीएनजी बसों और 66 एनफोर्समेंट व्हीकल्स को सड़कों पर उतारा है। इनमें दो पहिया एनफोर्समेंट व्हीकल्स भी हैं, जो संकरी सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति में पहुंचकर बसों के लेन या बसों के द्वारा ब्रेक डाउन या जाम होने पर उसे नियंत्रित करेगी और सड़कों पर यातायात जाम से मुक्ति दिलाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ राजघाट डिपो पर आयोजित कार्यक्रम में 50 सीएनजी बसों और 66 एनफोर्समेंट व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब तक की सबसे ज्यादा कुल 7,320 बसें सड़कों पर है। 2025 तक 80% इलेक्ट्रिक बसों के साथ 10,000 से ज्यादा बसें दिल्ली की जनता की सेवा में होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विजन है कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया के किसी भी विकसित देश के किसी भी शहर से बेहतर होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इन 50 बसों के जुड़ने से दिल्ली की सड़कों पर परिवहन विभाग की 7,300 बसें हो गई हैं। दिल्ली में आज तक कभी भी दिल्ली सरकार की इतनी संख्या में बसें नहीं थी। दिल्ली में अभी तक की सबसे ज्यादा बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसमें 4,010 बसें डीटीसी की बसें हैं, 3,310 बसें क्लस्टर की हैं और 250 इलेक्ट्रिक बसें हैं। 2025 तक सार्वजनिक बस बेड़े में करीब 80% इलेक्ट्रिक बसें हो जाएंगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।